और इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड प्रिपरेशन क्लास की हम बात करेंगे डायनेमिक चार्ट्स। डायनेमिक चार्ट मतलब कि अपने आप मेरा चार्ट का प्रोफाइल चेंज हो जाए, या चार्ट में हम ऑटोमेशन कर सके, चार्ट में हम ट्रिक्स लगा सके वगैरह। उसी एग्जांपल में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चार्ट्स में, सबसे पहला कॉलम क्या होता है, मैं उसी कॉलम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ पर्सन के नेम लेते हैं और यहाँ पे मंथ देते हैं, और मैं अपना रिकॉर्ड यहाँ दूंगा। थोड़ा सा डेटा आपके सामने मैंने क्रिएट किया हुआ, राइट। अब मुझे क्या करना है कि इस डेटा को चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना। अब डेटा मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो चार्ट में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला चार्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्या बोलना है सर? ठीक है जी। क्योंकि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और हम इंसर्ट में आते हैं, और इंसर्ट में हम यहां कोई भी चार्ट लेते हैं, ए चार्ट ले लें या उसी चार्ट को लेते हैं, तो यहाँ का समझ पाना मुश्किल होगा, राइट? हाँ जी, मैच करना पड़ रहा है। तो इसका एक टेम्पररी एक उपाय है कि हम जो है इस वाले चार्ट को, जो 100% स्टॉक चार्ट होता है, इसको ले लें, फिर भी उतना अनस्टेबल नहीं है। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें नेम टू नेम में कोई कंपेयर नहीं करना, हमें कंपेयर करना है मंथ टू मंथ। मतलब कि अगर हमें वन बाय वन चार्ट इस तरह से बन के आ जाए फिर भी चलेगा, समझ गए? बट प्रॉब्लम ये है कि वन बाय वन चार्ट बनाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर फिलहाल मान लीजिए आपके सामने 12 मेंबर्स हैं, अगर 100 हुआ तो 100 चार्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी ना सर। तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि चार्ट हमारा एक ही हो बट हम चॉइस कर सके, समझे? तो इसमें जैसे कि हमने इसको हम लिया और हम सिंपल से यहाँ वन लिखते हैं और यहाँ नीचे हम ऑफसेट का कॉमा लगा दिया, हमने इसको सिलेक्ट किया, रो को सिलेक्ट किया एंड कॉमा जीरो कर दिया। आगे ड्रैग करने से पहले हम इसको फ्रीज कर देते हैं। का फॉर्मूला क्या कर रहा है, तो डेटा लुकअप कर रहा है रो के हिसाब से, रो नंबर वन का डेटा, रो नंबर टू का डेटा, रो नंबर थ्री का डेटा, इस तरह से। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ चार्ट। चार्ट इंसर्ट हो गया, हाँ जी। अब मैं यहाँ पे वन करता हूँ तो इंद्र का चार्ट आ रहा है, पूजा का चार्ट आ रहा है, टू में हमारा नीरज का है, थ्री में हमारा कविता का। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ नंबर, पहले तो मुझे नंबर देखने पड़ेंगे फिर नंबर डालने पड़ेंगे, कुछ यही पे ऑप्शन होना चाहिए ना सर। तो डेवलपर बार में हम जाएंगे और यहाँ से हम लेके आएंगे फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल में आपका ये दिखा है कॉम्बो बॉक्स, से तो बटन है जिसमें वीवी प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तो हमने इंसर्ट किया है फॉर्म कंट्रोल्स जिसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है, एक्टिवेट करते ही इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला काम है कि इसके ड्रॉप डाउन में इस लिस्ट को ऐड करना, तो राइट किया, राइट क्लिक करके हम यहाँ फॉर्म कंट्रोल के रेंज, इनपुट रेंज में आएंगे और हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सेल लिंक में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? 3D कर देंगे तो 3D इफेक्ट दिखेगा। अब मैं यहाँ अगर पूजा करता हूं तो यहाँ वन डाल देगा। अगर वन कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो जो हमने फॉर्म कंट्रोल के अंदर में सेल लिंक किया, तो ये आपको कॉम्बो बॉक्स क्या कर रहा है, जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके सिक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर राइट कर रहा है, समझे? जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमने दिया मोहन, तो मोहन कितने पे है, चौथे नंबर पे है ना, चार को फोर आ जाएगा। फोर क्यों आया, क्योंकि फॉर्म कंट्रोल में सेल लिंक के अंदर हमने A16 का दिया। ओके,
तो अभी थोड़ा सा बेटर हो गया कि मैं इंदर किया, इंदर आ गया, रितु करूंगा, रितु का आ जाएगा, क्या चार्ट ही नहीं, आप अपना डेटा वगैरह भी इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ और चीज करना हो, थोड़ा सा और डायनेमिक करना हो, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे टारगेट का ऑप्शन दे और मैं यहाँ पे टारगेट डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे यहाँ मैं डालता हूँ ट्रू, कहता हूं इफ अगर ए ट्रू है तो ऊपर वाली वैल्यू ए शो कर दे, अदरवाइज ब्लैंक। फॉर्मूला समझ में आ गया, इसको मैं फ्रीज कर देता हूं, फिर इसको आगे की तरफ जाएगा। ओ सॉरी, हमने गलत फ्रीज कर दिया, हमें ए 14 को नहीं बी 16 को फ्रीज करना था। आ गया, मतलब कि अगर मैं यहां फॉल्स लिख दू तो ये गायब हो जाएगा, ट्रू लिख दू तो आ जाएगा। अब मैं अपने इंसर्ट वाले ऑप्शन में यहां चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स को लिया और यहां चार्ट पे डिजाइन कर दिया और यहां पे हमने लिख दिया ट्रू फ्री टारगेट। ऐसे नहीं होगा, इसके फॉर्म कंट्रोल में जाना होगा और यहाँ 3D सेटिंग कर दीजिए और सेल लिंक में हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि जैसे मैं टारगेट पे क्लिक करूंगा यहाँ ट्रू प्रिंट होगा, अनक्लिक करूंगा तो फॉल्स। ओके, ठीक है, मैं चार्ट में लूंगा और इसी को नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। बेटर है सर? क्या बोला गैरी जी, अच्छा लग रहा है? हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। अब मान लीजिए मुझे अगर दो कर, इसकी तो ठीक है, मैं इसमें अगले एग्जाम की बात करता हूँ, मुझे इसमें दो करना है, कैसे करेंगे, दो का लिंक करना है, तो मैं इसको यहां से उठाता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे वन और नीचे भी वन कर दिया, ऑफसेट का फॉर्मूला लगा रहा हूं और ऑफसेट में बोला कि यहां से जाओ और पहले नंबर रूप का डेटा, जीरो टर्म का डेटा उठा लो और आगे ड्रैग करने से पहले ए 16 को मैं फ्रीज कर देता हूँ और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। फिर नीचे एक बार और मैं ऑफसेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस बार जीरो कर देता हूं, दूसरे वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, F4 से क्लिक करता और इसको आगे की तरफ ड्रैग करता, इन दोनों के ऊपर मैं चार्ट लगाता हूं। ओके, चार्ट का टाइप मैं यहां से लेआउट चेंज कर लेता, इसको नीचे रख देता हूँ, ठीक है, यहां से डिलीट कर देता हूं। तो एक तो हो गया हमारा कॉम्बो बॉक्स, या जरूरी नहीं कि हम चार्ट के ऊपर ही करें, बात समझ रहे, जरूरी नहीं है कि हम चार्ट के ऊपर ही करें, चार्ट डिजाइन को चेंज करते हैं, चार्ट छोटा लगेगा, डैशबोर्ड में थोड़ा अच्छी तरह से होगा लेकिन यहां ऐसे रखता हूं। उसके बाद मैंने यहां डेवलपर में आया और हमने यहां लिस्ट बॉक्स को लिया, यहां देखिए लिस्ट बॉक्स होता है, और फिर इसी लिस्ट बॉक्स को कॉपी करके मैं इधर भी डाल देता हूँ या दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ फॉर्म कंट्रोल और इनपुट रेंज में मैंने अपना इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया
और सेल लिंक ने हमने पहले वाले वन को सिलेक्ट कर लिया। फिर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल में गया, वापस इसको सिलेक्ट किया और इसमें जो सेल लिंक है उसको मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो थ्री डी सेटिंग कर दूंगा तो थ्री डी टाइप का दिखेगा, लाइनिंग वगैरह नहीं दिखेगी। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ सेलेक्ट किया, दिख रहे हैं सर? लिस्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें एक चीज और है, यहाँ पे आपके सामने स्पाइन बटन दिख रहा है, स्पाइन बटन आप इसको भी आप डिजाइन कर सकते हैं। इसको कॉपी करके मैं यहां डाल देता हूं। कंट्रोल प्रेस करके मैं ड्रैग कर दिया तो कॉपी हो गया। इसमें राइट क्लिक करके करता हूं फॉर्म कंट्रोल और मैंने बोला कि मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू है 13। ये देना होता है, सॉरी मैं गलती से 1 है, मैक्सिमम 13 है और सेल लिंक पहले वाले पे। इसमें भी हम सेम करते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम हमारा 13 है। लिंक हो जाता है हमारे। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कविता को सेलेक्ट कर लिया, राइट, इसमें यहाँ पे नेक्स्ट 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 प्रीवियस आप यहीं पे टाइप भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ कर दीजिए नेक्स्ट, इसको कर दीजिए प्रीवियस, ठीक है। अब मैं मिडल कर देता हूँ, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस, ठीक है सर। और यहाँ भी वही यार, आप ये चलिए एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। अब मेरे पास ये नेम यहां लगा हुआ है, राइट। अब मुझे मैंने नेम को यहां रख दिया और यहां मैं ऑफसेट कॉमा लगाता हूं, ऑफसेट इसको सेलेक्ट कर लिया, मैंने बोला कॉमा, यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, कॉमा जी, नेम नेम आ रहा है, यहाँ पे 1 होगा तो क्या आएगा, पूजा। और नीचे ड्रैग करने से पहले A16 को फ्रीज करके फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दे, मैं -1 कर देता हूं। इसमें हम छोटी सी गलती कर दी, छोटी सी गलती कर दी, इसमें रो वाइज नहीं कॉलम वाइज डेटा चाहिए, तो मैंने यहां पे ऑफसेट लगाया और हमने बोला यहाँ इसको सिलेक्ट किया और रो में हमने दे दिया 0 एंड कॉलम में दे दिया हम यहाँ 1, ठीक है। और A1 को हम A16 को फ्रीज करेंगे, A1 को फ्रीज नहीं करना है, फिर इसको नीचे की तरह ड्रैग कर, अब सही, अब 2 रहेगा तो मंथ, 3 आएगा अलग अलग मंथ आएगा। फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम चले गए डेवलपर में, और डेवलपर नहीं, फिर बाद में बात करते डेवलपर वाले में, फिलहाल तो चार्ट बनाएंगे ना। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक चार्ट ले, इस बार इस चार्ट को लेते हैं, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके सामने रेडियो बटन्स हैं, ऑप्शन बटन बोलते हैं इसको। इनबॉक्स में क्या होता है, एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ऑप्शन बटन में आप कई सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंथ बाय देखता, जैसे यहाँ देखिए चैन, अब इसको मैं कॉपी करके नीचे के इसको सेलेक्ट किया, कॉपी करके इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, समझ गया कि नहीं सर? हाँ जी सर, वी आर गोइंग बाय मंथ। हाँ, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सुंदर दिखा दीजिएगा, तो मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है। अब इसका नाम, अब ध्यान रखिएगा सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है ना, अगर सीक्वेंस नहीं है दिक्कत होगा, कीजिएगा उसी नाम सीक्वेंस दे रहे, सीरियल नंबर उसी से आपसे आएगा, तीसरा है तो तीन आएगा, चौथा तो चार आएगा, इस तरह से अप्रैल तो आप अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं। सर जैसे आप, हम आप मैनुअल इसको इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हो, कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लें एंड वो अपने कर दे? नहीं, इसमें नहीं है सर, और इसमें वीवी, इसमें वीवी का यूजर फॉर्म में है, बट इसमें नहीं। ओके, सेलेक्ट कर लेते हैं। हां, एक मिनट देखता हूं ना, अलाइनमेंट है इसमें, सेल फॉर्म में हां है अलाइनमेंट पे इसमें है। ओके, वर्क करेगा लेकिन मैं, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली दिख रहा है, सब्बे के बीच में सेम दे देगा, पार दे देगा, ठीक है, ठीक है। मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल पे जाता हूँ और इसको 3D सेलिंग करता हूँ, इसपे मैंने सेलिंग दे दिया, एक पे सेलिंग देना है, बाकी पे अपने आप सेलिंग आ जाएगा, और 3D सेलिंग में सब पे मैनुअल करना पड़ेगा। जो जैसे उसमें आपने परसेंटेज दे दिया था लाल कलर का, वो बहुत यूनिक था। देखिए जैन दिख रहा है आपको, जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वन प्रिंट कर रहा है, तो टू प्रिंट कर रहा है, तो फरवरी का आ गया, मार्च किया तो मार्च का आ गया, अप्रैल किया तो अप्रैल का आ गया, मई किया तो मई का आ गया, जून किया तो जून का आ गया। अभी जैसे ये वर्क कर रहा है इस रोटेटिंग, मगर अगर मैंने इसमें परसेंटेज डाल ली हो, परसेंटेज मतलब जैसे आपका जो पूजा का 58 है 78, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे इस चार्ट में ही पाई चार्ट में परसेंटेज। हाँ, तो लेबल ऐड करेंगे तो हो जाएगा, तो ऐड डेटा लेबल कीजिए, ये आ गया, इस पे राइट कीजिए फॉर्मेट कंट्रोल और इसमें परसेंटेज कर दीजिए, वैल्यू हटा दीजिए परसेंटेज, ठीक है ना? ठीक है, हो गया, ठीक है सर, ठीक है, ये आ गया सामने। अब ये तो थी हमारी नॉर्मल एक्सेल का यूज था जिसमें हमने बताया, बट क्या वीवीए का इस्तेमाल से भी हो सकता है?
बात समझे? जैसे कि मैं चाहता हूं, जैसे एसी सार को ले लीजिए, तो मुझे यहां पे क्लिक करना पड़ता है, राइट? मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो जो किसी कर्सर ले जाऊं और मेरा चार्ज उसी तरह से परफॉर्म, तो मैं इस सारे को सेलेक्ट कर दो चार्ज, एक चार्ज इसी चार्ज को लेता हूं, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, राइट, यहां पे पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले हुआ कि मैं सिलेक्ट ना करूं, मैं सिर्फ कर्सर ले जाऊं और मेरा काम हो जाए, बात समझ रहे? तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया चार्ट, राइट, इसको अपना फॉर्मेट सबमिट को देना हो दे दीजिए, ये मैं इसको तो वाले को बाद में हटा दूंगा, फिलहाल रखता हूं। मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, चला जाऊंगा मैं व्यू बोर्ड में, यहां पे डालूंगा वर्कशीट, यहां पे डालूंगा हमारा सिलेक्शन चेन, ठीक किया, और हमने बोला यहां पे कि जहां क्लिक करो उसका रो नंबर माइनस वन यहां है, तो हमने बोला यहां पे रेंज और वैल्यू इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो माइनस वन। जैसे मैं यहां क्लिक कर रहा हूं, नहीं करना था, माफ कीजिएगा, हमें करना था ए, ठीक है सर, और बेटर के लिए आप जो है चार्ट को उसी हिसाब से छोटा कर लीजिए, ठीक है, और इस पूरे को सिलेक्ट करके इसका कलर व्हाइट कर दीजिए, ताकि ठीक है ना, सर बेटर है ना, मुझे कर्सर ले जा रहा हूं, कर्सर क्लिक कर रहा हूं और मिला जा रहा है, इसको और ज्यादा सा और भी ज्यादा ये बना सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिकल बना सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कि मेरे पास ए रिपोर्ट है यहां, तो इसमें कि मुझे यहां क्लिक करना पड़ा, मैं अपने मंथ पे कर्सर ले जाऊं और मुझे दिख जाए, मुझे मंथली रिपोर्ट चाहिए लेकिन मैं जस्ट कर्सर ले जाना चाहता हूं, तो मैंने एक नया चार्ट ऐड किया, ये सारे एक साथ डिलीट करना है, तो मैं यहां होम पे आऊंगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, सिलेक्ट हो गया, क्लिक। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसी को सिलेक्ट करके हम चार्ट बना, एक अपना जो चार्ट ऐसा फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूं, चार्ट डिजाइन ये सही रहेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे कर्सर ले जाऊं जैनफर मानसर, सिर्फ कर्सर ले जाऊं, ओके, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं यहां पे, यहां नेम है, नेम की जगह पे मैं एक और फिर मैं यहां पे टेक्स्ट फॉर्मा लगाया, टेक्स्ट फॉर्मूले में मैंने दिया ई डेट, इसको सेलेक्ट किया और हमने दिया कॉलन, नहीं एमएम करना,
आगे पर जा कर देते हैं। सॉरी A1 को फिक्स करना होगा ना। तो हर महीने का हर मंथ आ गया यहाँ पे, और मंथ जो आया हुआ है इस ऐप से स्टार्ट होते हैं -2 करना है। फॉर्मूला क्या करेगा कि ऑटोमेटिक जो है हमारा यहाँ पे संडे मंडे जैन फाइव मार्च दे देगा मंथ, हमें टाइप नहीं करना। उसके बाद हम यहाँ VBA प्रोग्रामिंग में जाएंगे, विजुअल बेसिक पे जाएंगे, और मैं क्या करूँगा कि यहाँ एक इंसर्ट करूँगा मॉड्यूल्स, और यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊंगा फंक्शन PL नाम से। यहाँ पे हम एन एजेस एन एजेस हम कर देते हैं लॉग, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम करते हैं रेंज, कौन सा रेंज है A16 A16.value equal to n, सिंपल सा हमने कर दिया। उसके बाद हम यहां इसमें हम देते हैं कॉलम, कॉलम्स माइनस टू वन, उसके बाद इसको जो है हमारा ए इसको क्लोज कर देते हैं, और ए जो फॉर्मूला है इसको मैं कट कर देता हूँ, कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ कि इसको ऐसे नहीं देना है, हमें इसको देना है इसको हाइपरलिंक पे फॉर्मूला, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक एंट्री मार्क से वो एरर देगा, और मुझे यहाँ इस एरर फॉर्मूला में यहाँ पे जो फॉर्मूला इससे पहले मंथ वाला लगा रखा था वो दे, मुझे नीचे आगे पूरा ड्रैग कर देना है, हो गया। अब देखिए जैसे ही से मेरा कर्सर जाएगा जैन है, पर्सन लगाते ही आ जाना चाहिए, मुझे फॉर्मूला गलत कर गया। अच्छा एक बार करता हूँ मैं, किस एरर हटा तो मुझे कि मुझे हाइपरलिंक के फॉर्मूले में एक मिनट में फॉर्मूला एडलेट करता हूँ।
कॉलम फॉर्मूला रीड नहीं कर रहा है इसकी। वर्क कर गया बट यहां पे मुझे कॉलम का फॉर्मूला देना है। इसके अंदर फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। हाँ, इसके अंदर फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, मैनुअली हमें यहां देना पड़ेगा। छोटी सी प्रॉब्लम इसमें आ गई है और मैनुअली यहाँ पे वन लगाना पड़ेगा और यहाँ हाइपर लिंक लगाना पड़ेगा। हाइपर लिंक इफ एरर, और नहीं इसमें हाइपर लिंक तो लगा हुआ ही है, यहाँ इफ एरर लगाना पड़ेगा एरर, और यहाँ पे हम देखेंगे अपना टेक्स्ट कलर। क्या था सर, हमने जो फॉर्मूला लगाया है ये हमने क्या लगाया, फंक्शन लगाया है समझे, और फंक्शन में हमने बोला है कि किसी सेल की वैल्यू को एन कर, तो बोलन करते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट इसी फॉर्मूला लगाने पर वर्क नहीं करेगा, लेकिन उसी फॉर्मूले को मैं हाइपरलिंक फॉर्मूले के अंदर डाल दू तो करेगा, बट रिजल्ट देगा वैल्यू। इसलिए हमने इस एरर लगाया कि अगर रिजल्ट अगर वैल्यू है तो इसका जो जैन फैर मार्च है वो दे दो। तो मैनुअली इसको आगे तक ड्रैग कर देते हैं ताकि हाइपरलिंक आ जाए, और यहाँ पे हम देते हैं टू, उसके बाद यहाँ देते हैं थ्री, ये मैनुअली देना पड़ेगा आपको थ्री, यहाँ पे देते हैं फाइव, यहाँ देते हैं सिक्स, और यहाँ देते हैं सेवन। जैन पे कर्सर जैन आ गया, फैब पे ले गया तो फैब दिख गया, मार्च अप्रैल मई दिख गया ना सर, कर्सर ले जाते हो जा रहा है चेंज। अब मैंने इसको क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और आगे तक इसको ड्रैग कर दिया, कर्सर बड़ा करना है तो बड़ा भी कर दीजिए ओके। और मैं ये और थोड़ा सा बेटर इसको और भी अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता है, बेटर दिखाने के लिए हमने इसको इतना मोड किया, इसको सिलेक्ट किया और इसमें हमने कलर जो है ब्लू ही दे देता हूँ मैं भी कलर, और इसकी व्हाइट दे देता हूँ, इसकी राइट क्लिक करता हूँ और इसकी बॉर्डर में नो बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है हेलो।